नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा अपार समर्थन। भाजपा के शासनकाल में आज जनता का जीना दुश्वार व मुहाल हो गया है और महंगाई के साथ साथ व्यापारियों व दुकानदारों का कारोबार मंदी के दौर में चलते लोगों का मन भाजपा से उब चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने बुधवार को कालका हल्के में 8 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित करते हुए उक्त बात कही। उनकी अंतिम नुक्कड़ सभा कालका की कराटी मोहल्ला क्षेत्र में थी, जहां जनता के उमड़े सैलाब को देखकर प्रदीप फूले नहीं समा रहे थे। इस नुक्कड़ सभा में करीब 250 से भी अधिक लोगों की उपस्थिति देखी गई। जैसे ही प्रदीप चौधरी नुक्कड़ सभा में आए, उनका गर्मजोशी के साथ हल्के में लोगों ने स्वागत किया। प्रदीप चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि वो वादे भाजपा से अपने पिछले विधानसभा चुनाव में किए थे, उन पर वहीं खरी नहीं उतरी। न वादे पूरे किए, न ही आम लोगों की सुविधाएं मुहैया कराई गई। लोग विकास को तरस गए और उलझनों व परेशानियों में घिरे रहे। उन्होंने कहा कि कालका से सरकारी अस्पताल 100 बेड किए जाने का ऐलान भाजपा ने किया था, लेकिन अस्पताल की स्थिति अब वैसी ही है। कालका के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पिछले लंबे समय से चल रही है। सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है, जो किसी से छिपी बात नहीं है। सब्जियों के दाम आसमान छू गए, प्याज ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। प्रदीप चौधरी ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र पे एक ढकोसला है। जब वह पिछले संकल्प पत्र पर खरा नहीं उतरी, तो अब की बार के वादे कैसे पूरे कर पाएगी। उन्होंने कहा, आने वाला कांग्रेस का है आने वाला समय। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता के आने पर बुढ़ापा पेंशन 5,100 रुपए करने की घोषणा कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में दी है और बीपीएल परिवार के घर की महिलाओं को चूल्हा खर्च करने के लिए हर माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में यात्रा मुफ्त रहेगी। जब तक युवा नौकरी नहीं लग जाते, उन्हें सरकार की ओर से बेरोजगार भत्ता बतौर वजीफा सरकार देगी।